हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल जीएस। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 2021 का करंट अफेयर का महत्वपूर्ण टॉपिक नोबेल प्राइज 2021, और साथ ही में हम देखेंगे भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन हैं, और साथ में देखने वाले हैं दो बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन हैं, क्योंकि इस टॉपिक से भी प्रत्येक एग्जाम में एक कम से कम एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा और आपके एग्जाम में इस वीडियो के बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि हम इस वीडियो में प्रत्येक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम नोबेल प्राइज के बारे में जान लेते हैं। नोबेल फाउंडेशन द्वारा नोबेल पुरस्कार को स्वीडिश वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में शुरू किया गया था, कब? 1901 में शुरू किया गया था, और यह 6 क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र है? चिकित्सा के क्षेत्र में रसायन, भौतिकी, साहित्य, साहित्य और अर्थशास्त्र का नोबेल का पुरस्कार 1968 से शुरू किया गया। अर्थशास्त्र के नोबेल स्मृति पुरस्कार भी इसे कहा जाता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। और नोबेल संस्थान क्या होता है? यहाँ पर नोबेल फाउंडेशन क्या होता है जो ये प्रदान करता है? तो 29 जून 1900 को स्थापित किया गया। यह एक निजी संस्था है। यह नोबेल पुरस्कार का आयोजन करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर स्टॉकहोम स्वीडन में है। और यहाँ पर ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, यह नॉर्वे में प्रदान किया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, यह नॉर्वे में प्रदान किया जाता है और स्वीडन में प्रदान किया जाता है। इसके अलावा जितने भी नोबेल प्राइज हैं, वह स्वीडन में प्रदान किए जाते हैं। और यहाँ पर ये अल्फ्रेड नोबेल की फोटो लगी हुई है, आप इन्हें देख सकते हैं। यहाँ पर स्वीडन कहाँ है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जहाँ पे मैं ये पेन मार्क कर रही हूँ, और यहाँ पर नॉर्वे है। तो मैप में आपको इसकी लोकेशन भी ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं नोबेल पीस प्राइज, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में किसे प्रदान किया गया है? तो ये है मारिया रेसा, यह एक पत्रकार हैं और यह फिलीपींस की हैं। और दूसरे हैं दमित्री मुरातोव, ये भी पत्रकार हैं और ये रूस के हैं। तो आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हैं, रसिया के हैं ये दमित्री मुरातोव और फिलीपींस की हैं मारिया रेसा। और यह इन्हें किस कार्य के लिए दिया गया है, क्यों दिया गया है यह पुरस्कार इन्हें? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए। तो यहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि ये पत्रकार हैं, तो यह अपनी जो स्वतंत्रता के साथ में प्रत्येक जो भी पत्रकारिता है उसका पालन करते हैं, स्वतंत्रता के साथ में चीजें पब्लिश करते हैं, तो इसके लिए इन्हें यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इसके साथ में इन्हें राशि कितनी दी गई है? $1.1 मिलियन। और यहाँ पर ये जो राशि होती है वह दोनों लोगों में 1/2 आधी आधी 50-50% करके बांट दी जाती है। तो इन नोबेल प्राइज से संबंधित इतने पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। अब हम देखने वाले हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये हैं अब्दुल रजाक गुरना, और यह उपन्यासकार हैं और ये तंजानिया के हैं। तंजानिया कहाँ पर है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तंजानिया अफ्रीका महाद्वीप का देश है। यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, लेकिन बाद में यह नागरिक बन गए थे यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके के। तो ये भी ध्यान रखिएगा। किस कार्य के लिए दिया गया है? तो उपनिवेशवाद के प्रभावों, संस्कृतियों और महाद्वीपों के बीच की खाड़ी में शरणार्थियों यानी रिफ्यूजीज की स्थिति का करुणा में चित्रण करने के लिए, क्योंकि यह उपन्यासकार है। तो यहाँ पर जो उपनिवेशवाद के प्रभाव हुए हैं जिन जिन देशों में, तो उन देशों और महाद्वीपों के बीच की जो खाड़ी में शरणार्थी रहते हैं उनकी स्थिति का इन्होंने काफी अच्छे से वर्णन किया है। तो इसी के लिए इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। और इसके अलावा इनसे संबंधित एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है। इनका उपन्यास था पैराडाइज, इसे 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था, लेकिन इसे बुकर पुरस्कार नहीं दिया गया। लेकिन ये जो पैराडाइज इनकी किताब है, उपन्यास है, यह काफी फेमस है, तो आपको ध्यान रखनी है। पैराडाइज किसकी बुक है? तो यह है अब्दुल रजा गुरना की। नोबेल प्राइज से संबंधित, साहित्य के नोबेल प्राइज से संबंधित आपको इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। और चित्र में आप देख सकते हैं, ये हैं अब्दुल रजाक गुरना। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, तो यह किसे दिया गया है? तो पहले व्यक्ति है इसमें, दो लोगों को प्रदान किया गया है। पहले हैं डेविड जूलियस, यह अमेरिका के हैं, और दूसरे हैं ऑर्मेट पैटापुटियन, ये भी अमेरिका के हैं। यूनाइटेड किंगडम की लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, उत्तरी अमेरिका का ये देश है। और किस कार्य के लिए दिया गया है? तो शरीर में तापमान, दबाव और दर्द के होने वाले रिसेप्टरों की खोज के लिए, यानी कि अगर हम इसे डिटेल में जाने तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जब हम किसी चीज को महसूस करते हैं तो हमें जो फीलिंग आती है, किस प्रकार से हम महसूस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम आप आग के पास में गए हैं, आपकी बॉडी जलने लगती है, तो आपका माइंड
के पास ये संदेश जाता है कि आग से दूर हो जाइए, वो आपकी बॉडी को हानि पहुंचा सकती है, आपके शरीर को, तो आप आग से दूर हो जाते हैं। तो यह ऐसी कौन सी बॉडी में क्रियाएं होती हैं जो ये बताती हैं कि हमें आग से हानि हो सकती है? तो इसी की खोज किया गया है यहाँ पर, इसी की खोज किया है, यानी शरीर में तापमान, दबाव और दर्द देने वाले रिसेप्टरों, वह कौन से रिसेप्टर होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी बॉडी को ऐसी हानिकारक चीजों से दूर रहना चाहिए, तापमान, दबाव और दर्द देने वाली चीजों से। तो इसी की खोज किया गया है यहाँ पर। जब आप किसी को टच करते हैं, आप किसी हीट पैन से गुजरते हैं, जब आपकी बॉडी में हीट की वजह से पैन होता है, यहाँ पर जब आप किसी को टच करते हैं तो किस प्रकार की जो फीलिंग होती है, वो आपको किस प्रकार से महसूस होता है, बस किस प्रकार से महसूस होता है और यह किन कारणों से होता है, उन्हीं कारणों की इन्होंने खोज किया है। तो आप ये यहाँ से देख सकते हैं, और ये दो प्रकार की होती है। आप डिटेल में यहाँ पर नहीं बताने वाली हूँ, आपको बस इतनी बातें इससे याद रखनी है। यहाँ पर ये दिया गया है किस प्रकार से हमारे माइंड तक ये संदेश पहुंचता है कि हमें ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए जो हमें हानि पहुंचा सकती है। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, रसायन का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो पहले व्यक्ति हैं, दो लोगों को दिया गया है, बेंजामिन लिस्ट, और यह जर्मन वैज्ञानिक हैं। दूसरे हैं डेविड मैकमिलन, यह यूके के हैं, यूके यहाँ पर स्थित है, जर्मन यहाँ पर स्थित है, आपको लोकेशन भी ध्यान रखनी चाहिए। किस कार्य के लिए दिया गया है? तो एसिमेट्रिक ऑर्गेन कैटालिसिस के क्षेत्र में रिसर्च करने के लिए। ये क्या होता है? तो हम यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो कैटालिसिस होता है, इसे हिंदी में उत्प्रेरक कहते हैं, ये होता क्या है? तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन की गति किसी पदार्थ की उपस्थिति मात्र से बढ़ जाती है, तो इसे उत्प्रेरण यानी कैटालिसिस कहते हैं, और जिस पदार्थ की उपस्थिति से रिएक्शन की गति बढ़ती है, उसे उत्प्रेरक कहा जाता है, कैटालिस्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है, जब कोई दो पदार्थ है, अगर मान लीजिए उसमें दो पदार्थ मिलाए गए हैं लेकिन वो आपस में मिल नहीं रहे हैं, ऐसा कुछ उसमें अलग से तीसरा पदार्थ डाल लिया जाए जिससे कि वो अच्छी से क्रिया करने लगे, तो उसी जो तीसरा पदार्थ होता है उसे क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं, और वो जो क्रिया होती है उसे उत्प्रेरण कहा जाता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। पर इस प्रकार के पहले दो पदार्थ होते थे जिन्हें किसी दो पदार्थों में मिलाया जा सकता था अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए, कौन कौन से होते थे? तो धातु यानी मेटल होता था, और एंजाइम, आपने सुना होगा एंजाइम की वजह से, केमिकल रिएक्शन की वजह से बहुत सारी चीजें होती रहती हैं आपकी बॉडी में भी, तो आप इससे समझ सकते हैं। तो ये धातु है, मेटल और एंजाइम। अब तीसरे प्रकार की भी ऑर्गेनोकैटालिसिस की खोज की गई है, तो ये तीसरा है, और यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये कौन कौन से होते हैं। तो ये ऑर्गेनो होते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिक होते हैं, तो ये ध्यान रखना है, ऑर्गेनिक कैटालिसिस। इन्होंने बताया कि इसके माध्यम से भी आप केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। तो ये कौन से होते हैं? प्रोलाइन होते हैं और लैटिस होते हैं, ये दो टाइप मैंने लिखे हैं, इसी प्रकार के ये होते हैं। इससे पहले दो प्रकार के होते थे, अब तीन प्रकार के होने लगे हैं, और इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा? तो ऑर्गेन कैटालिसिस का, यानी जो दवाएं बनती हैं वहां पे इसका प्रयोग बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, तो वहां पे इसका काफी अच्छा प्रभाव पड़ा है जो दवाओं की कंपनी होती है दवा बनाने में, क्योंकि वहीं पे इसका यूज ज्यादा होता है। और यह एक तीसरे प्रकार का उत्प्रेरक है, ये मैंने आपको बता दिया है। तो ये क्या होता है आप समझ गए हैं, ऑर्गेनोकैटालिसिस, इसी की खोज की गई है, और इसके जो टाइप होते हैं जैसे प्रोलाइन और लैक्टिस वगैरह, ये सब होते हैं। अब हम देखने वाले हैं भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2021 में किसे प्रदान किया गया है? तो यह तीन व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, ये ध्यान रखना है। अब तक हमने जो भी देखे वह एक या दो व्यक्तियों को दिया गया था, लेकिन ये भौतिकी का नोबेल पुरस्कार है, तीन व्यक्तियों को दिया गया है। पहले कौन से हैं? सीव कुरो मनाबे हैं, और यह यूएसए के हैं। क्लाउस हेसलमैन, यह जर्मनी के हैं। और जियोर्गियो पारिसी पेरिसी, और यह इटली के हैं। तो इनकी लोकेशन आप जान लीजिए, यूएसए यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर जर्मनी है, और यहाँ पर इटली है। इन तीनों की लोकेशन भी आपको ध्यान रखनी है। एक बात और है, यहाँ पर ये जो जियोर्गियो पेरिसी हैं, इन्हें आधी जो भी पुरस्कार की राशि होती है, जो पैसा दिया जाता है, वह आधी राशि दी जाएगी, प्राइस शेयर का 1/2। और यहाँ पर जो दो लोग और बच रहे हैं, ये सीव कुरो मनाबे और क्लाउस, इन दोनों लोगों को 25-25% दिया जाएगा, ये ध्यान रखना है, और इन्हें 50% की राशि दी जाएगी, जो भी राशि प्राप्त होती है इन्हें इस नोबेल पुरस्कार के लिए। तो ये होता क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ पर हम बता दे रहे हैं कि इन्हें किस कार्य के लिए दिया गया है ये पुरस्कार। तो सीव कुरो मनाबे और क्लाउस हेसलमैन, इन्हें किस कार्य के लिए दिया गया है?
तो ये समझ लीजिए कि जलवायु से संबंधित कुछ टॉपिक है जिसके लिए दिया गया है। पृथ्वी की जलवायु की भौतिक मॉडलिंग, ग्लोबल वार्मिंग के पूर्वानुमान की परिवर्तनशीलता और प्रामाणिकता के मापन के क्षेत्र में उनके कार्यों के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो यहाँ पर लिखा भी गया है फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी प्रेडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो इस कार्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। और यहाँ पर ये जो तीसरे व्यक्ति हैं जिन्हें आधी 50% की राशि अकेले दी गई, यह किस कार्य के लिए दिए गए हैं पेयसी को? तो इन्होंने क्या किया था, परमाणु से ग्रहों के मानदंडों तक भौतिक प्रणाली में विकार और उतार चढ़ाव की परस्पर क्रिया की खोज के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर द डिस्कवरी ऑफ इंटरप्ले ऑफ डिसऑर्डर एंड फंक्चुएशन इन फिजिकल सिस्टम फ्रॉम एटॉमिक टू प्लैनेटरी स्केल्स, इस कार्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये ध्यान रखना है, इन्हें 50% की राशि अकेले दी गई है और इन्हें 25-25% की राशि इन दोनों के बीच में बांट दिया गया है। तो इसके बारे में आपको ध्यान इतना रखना है कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित कुछ टॉपिक है, इसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट आता है हमारा अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये भी तीन व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। पहले हैं डेविड कार्ड, अमेरिका के हैं, और ये दूसरे हैं जोसुआ डी एग्रिस्ट, यह भी अमेरिका के हैं, और गुइडो इम्बेंस, ये भी अमेरिका के हैं। तो इन तीनों व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। उत्तरी अमेरिका का देश है यूनाइटेड किंगडम, और यहाँ पे जो राशि है डेविड कार्ड को 50% की राशि बांट दी गई है और इन दोनों लोगों के बीच में 25-25% की राशि बांट दी गई है। तो ये ध्यान रखना है, लास्ट के जो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, यह तीन तीन व्यक्तियों को प्रदान किया गया है। और यहाँ पर आपको इनके नाम भी ध्यान रखने हैं और राशि की मात्रा भी एग्जाम में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर ये किस कार्य के लिए दिया गया है हम वो भी देख लेते हैं। तो डेविड कार्ड को दिया गया है लेबर इकोनॉमिक्स में उनके बेहतरीन योगदान के लिए। लेबर इकोनॉमिक्स क्या होता है ये अभी मैं आपको बता रही हूँ। और जोसुआ डी और गुइडो को किस कार्य के लिए दिया गया है, दोनों लोग अमेरिका के हैं, तो लेबर मार्केट और नेचुरल एक्सपेरिमेंट्स में गहन विश्लेषण के लिए, यानी आप मान के चलिए कि लेबर इकोनॉमिक्स से संबंधित ही टॉपिक के लिए इन्हें दिया गया है यह पुरस्कार। मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में, सामान्य अवधारणा क्या होती है लेबर इकोनॉमिक्स के बारे में। यानी कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, अगर कंपनी किसी व्यक्ति को कम वेतन देती है, एक कंपनी है अगर वह किसी व्यक्ति को कम वेतन देती है तो वह ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकती है, यानी ज्यादा एम्प्लॉय रख सकती है वो। अगर वह कम वेतन देगी तो वह ज्यादा लोगों को रोजगार देगी, और यहाँ पर अगर वह ज्यादा वेतन देने लगेगी तो वह रोजगार कम लोगों को दे पाएगी। तो आप समझ रहे हैं यहाँ पे जो सामान्य अवधारणा है वो जो अब तक चली आ रही थी, मैं यहाँ पे उसकी बात कर रही हूँ। ये है कि अगर कोई भी कंपनी किसी भी व्यक्ति को ज्यादा वेतन देती है तो वह कम एम्प्लॉय को रोजगार देगी, और अगर वह कम वेतन देती है तो वह ज्यादा लोगों को रोजगार देगी। ये सामान्य अवधारणा थी। लेकिन यहाँ पर ये जो डेबिट कार्ड है इन्होंने क्या किया, एक खोज किया, क्या किया, न्यू जर्सी और ये पेंसिल्वेनिया, ये अमेरिका के दो स्टेट हैं, यहाँ पर इन्होंने खोज किया। एक रेस्टोरेंट था यहाँ पे न्यू जर्सी में, यहाँ पे क्या किया इन्होंने, जो लोगों का न्यूनतम वेतन था, यानी न्यूनतम वेतन क्या होता है, कम से कम, जैसे MSP होता है आपने सुना होगा, कम से कम, इससे कम प्राइस में किसी भी चीज़ की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती है, गेहूं वगैरह नहीं खरीदा जा सकता है। तो उसी प्रकार न्यूनतम वेतन का मतलब है कि एक फिक्स सैलरी, इससे कम सैलरी पे आप किसी को भी काम पे नहीं रख सकते हैं। न्यूनतम वेतन कितना था उस टाइम पे, $4.25 था, और इसे बढ़ाकर इन्होंने, जब यहाँ पर इन्होंने ये खोज किया तो यहाँ पर क्या किया, सैलरी को बढ़ाकर कितना कर दिया, $5.05 सैलरी को बढ़ा दिया इन्होंने। लेकिन इससे यहाँ पर इन्होंने ये देखा कि जब सैलरी बढ़ाई गई, सामान्य अवधारणा थी कि सैलरी बढ़ाने से रोजगार कम हो जाते हैं, वो लोग, कंपनी कम लोगों को रोजगार दे पाती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे। अगर सैलरी बढ़ाई गई उस कंपनी के कर्मचारियों की तो जो लोगों की संख्या थी वो भी बढ़ी, वो भी इंक्रीज हुई, वो कम नहीं हुई, यही बताया गया था। जो संख्या थी वो कम नहीं हुई बल्कि कम से ज्यादा ही हुई। तो ये जो अवधारणा चली आ रही थी इसे नकारा गया यहाँ पर। न्यूनतम वेतन में वृद्धि के नकारात्मक प्रभाव
30 साल पहले की तुलना में काफी कम हो गए हैं, यानी अब ना मात्र के बराबर हैं। कार्ड ने यह भी पाया कि किसी भी देश के मूल निवासियों की आय नए प्रवासियों से लाभान्वित हो सकती है, यानी कि अगर किसी भी राज्य में नए प्रवासी आते हैं, दूसरे राज्य के लोग काम करने के लिए आते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं मिलता। ये जो अवधारणा है यह पूरी तरह से नकार दी गई है। तो ये बातें यहाँ पर मैंने आपको बता दिया लेबर इकोनॉमिक्स से संबंधित, तो उन्हें किस कार्य के लिए दिया गया है, उन्होंने इस चीज के लिए यहाँ पे ये खोज किया था, यानी कि ये बातें बताई थी। नेक्स्ट यहाँ पे नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ अन्य इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, जैसे कि भारत के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है। अब मैं एक एक करके हम वो देखने वाले हैं। पहले मैं ये बता रही हूँ कि भारतीय नागरिक ऐसे वह पुरस्कार प्राप्त करता जो भारत के नागरिक हैं और साथ ही साथ भारत पुरस्कार प्राप्त करने के लिए भारत का ही प्रतिनिधित्व किया है, यानी कि वो भारत के ही हैं। तो पहले हैं इसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 में इन्हें पुरस्कार दिया गया था, नोबेल प्राइज सबसे पहली बार, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। किसके लिए दिया गया था, तो साहित्य के लिए। यहाँ पे उनकी जो किताब थी गीतांजलि आपने सुना होगा, इसी के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था। दूसरे हैं सी वी रमन, 1930 में दिया गया था भौतिक विज्ञान के लिए और उनके प्रकाश के प्रकीर्णन पर कार्य करने के लिए और खोज के लिए दिया गया था, प्रकाश के प्रकीर्णन के, और जिसे बाद में किसका नाम दिया गया, तो बाद में ये प्रकाश के प्रकीर्णन को नाम दिया गया रमन प्रभाव, तो ये भी ध्यान रखना है। तीसरे व्यक्ति हैं हमारे अमर्त्य सेन, 1998 में दिया गया अर्थशास्त्र के लिए, कार्य क्या किया था इन्होंने, कल्याणकारी अर्थशास्त्र में उनके कार्य के लिए दिया गया। 2014 में कल्याण सत्यार्थी को दिया गया शांति पुरस्कार, और यह बच्चों और युवाओं के दमन के विरुद्ध उनके संघर्ष तथा सभी बच्चों के शिक्षा के अधिकार और शिक्षा के लिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं भारत में भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, वो ऐसे कौन कौन से व्यक्ति हैं जो भारतीय मूल के हैं, यानी कि भारत में उनका जन्म हुआ है, भारतीय मूल के हैं, लेकिन बाद में उन्होंने दूसरे देश की नागरिकता ले ली, ऐसे व्यक्तियों के बारे में। ऊपर मैंने जो बताया वो भारत में भारत के नागरिक हैं, यानी भारत के जन्म से ही नागरिक हैं, और यहाँ पर अब हम बताने वाले हैं जो जन्म तो भारत में हुआ लेकिन बाद में वो लोग विदेशों की नागरिकता ले लिया। तो पहले व्यक्ति कौन है, हरविंद खुराना, इन्हें 1968 में पुरस्कार प्रदान किया गया, किसके लिए, चिकित्सा के लिए, और यह यूनाइटेड स्टेट के उस समय पे जो निवासी थे वहां के थे। किस चीज के लिए दिया गया, तो आनुवांशिक कोड और इसके प्रोटीन संश्लेषण में कार्य पर शोध करने के लिए। दूसरे हैं सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, यह 1983 में दिया गया, किसके लिए इन्हें दिया गया, तो भौतिकी के लिए दिया गया, तारों के विकास और संरचना के महत्व के भौतिक प्रक्रियाओं का सैद्धांतिक अध्ययन करने के लिए। नेक्स्ट है यहाँ पर वेंकट रामन रामकृष्णन, 2009 में प्रदान किया गया, किसके लिए, रसायन के लिए, राइबोसोम की संरचना और कार्य अध्ययन के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अभिजीत बनर्जी, 2019 में दिया गया इन्हें अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, और यह वैश्विक गरीबी को दूर करने के लिए उनकी प्रायोगिक कार्य के लिए इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आपको ये बातें ध्यान रखनी है किन किन व्यक्तियों को पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर दो अन्य व्यक्ति भी हैं जो भारतीय मूल के नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, यानी भारतीय मूल के ही हैं। पहले हैं यहाँ पे साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था 2021 में, कौन है ये, वी एस नायपाल, इनका नाम क्या है, विद्याधर सूरज प्रसाद नायपाल। और दूसरी है मदर टेरेसा, 1979 में इनके समाज सेवा संबंधी कार्य के लिए दिया गया इन्हें दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार। तो इन्हें मदर टेरेसा को शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इतने व्यक्ति हैं, आपको इन सभी व्यक्तियों को याद रखना है। नेक्स्ट इसके बारे में कुछ अन्य पॉइंट भी हैं, दो बार नोबेल पुरस्कार विजेता पाने वाले व्यक्ति हैं, उनसे भी एग्जाम में प्रश्न बनता है। तो कौन कौन से व्यक्ति हैं, पहली है मैडम क्यूरी, लीना स्पोलिंग, जॉन बॉर्डिन और फ्रेडरिक सिंगर। यहाँ पे मैडम क्यूरी को किसके लिए दिया गया, तो पहली बार भौतिक रेडियो सक्रियता के लिए दिया गया और शुद्ध रेडियम रसायन के लिए। तो इन्हें भौतिकी और रसायन किस किस चीज के लिए दिया गया, आपको ये भी ध्यान रखना है। लीनी स्पोलिंग है, यहाँ पे इन्हें दिया गया हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत रसायन के लिए, और दूसरा दिया गया शांति के लिए। यहाँ पे नाभिकीय प्रयोग निषेध संधि एक्टिविज्म के लिए इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, दो पुरस्कार प्राप्त करता है ये। जॉन बॉर्डिन थे, इन्हें भौतिकी के लिए दिया गया ट्रांजिस्टर और अतिचालकता का सिद्धांत भौतिकी, इन्हें दोनों भौतिकी के लिए दो बार नोबेल प्राइज मिले हैं। तीसरे हैं फ्रेडरिक सिंगर, ये हैं रसायन, इन्हें इंसुलिन मॉलिक्यूल रसायन के लिए, और दूसरा है वायरस न्यूक्लियोटाइड
कि सीक्वेंसिंग रसायन के लिए है, दोनों व्यक्तियों को रसायन के लिए दिया गया है। जॉन बायडिन को दोनों जो पुरस्कार मिले हैं वो भौतिकी के लिए मिले हैं। फ्रेडरिक सेंगर को रसायन के लिए दिया गया है। और यहाँ पर ये जो मैडम क्यूरी है इन्हें एक भौतिकी एक रसायन के लिए दिया गया है, और लीनस पोलिंग इन्हें एक रसायन और एक शांति के लिए पुरस्कार दिया गया है। तो आपको इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। इसके अलावा भी कुछ अन्य पॉइंट है, वो भी आप देख लीजिए। पुरस्कार के लिए बनी समिति और चयनकर्ता प्रत्येक वर्ष अक्टूबर महीने में नोबल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा करते हैं, और यह एक वर्ष में यानी एक पुरस्कार जो होता है, मान लीजिए जो भौतिकी का पुरस्कार है वो अधिकतम 3 लोगों को ही दिया जा सकता है। प्रत्येक विजेता को एक स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है, डिप्लोमा और स्वीडिश में एक्सटेंशन और कुछ धन दिया जाता है। अब तक केवल 2 मृत व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो कौन कौन से हैं? एरी एक्सल कार्ल फल्डस 1931 में दिया गया था, और डैग हैमरसोल्ड 1961 में इन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया, लेकिन अब बंद कर दिया गया है। अब किसी भी मृत व्यक्ति को नोबेल प्राइज नहीं दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार दिया गया है। तो ये रेड क्रॉस है, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार प्रदान किया गया है, 1917 में, 1944 में और 1963 में। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 के बीच में नोबेल प्राइज नहीं दिया गया था। तो आपको नोबेल प्राइज से संबंधित इतने पॉइंट ध्यान रखने हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।